हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। अभी वो देखिए इसकी कहानी थोड़ा समझिए कि कैसे इसका काम करता है। सुरक्षा एजेंसी का नाम है मोसाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में आपका सबसे ज्यादा कत्ल किया गया यहूदियों को जर्मनी में। हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को अजय की मार दिया। अब आपको अजय की इजराइल का उदय कैसे हुआ उसकी कहानी बताते हैं। तो इसका कोई अपना देश था नहीं, ये लोग अजय की जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये लोग दुनिया के विभिन्न देशों में भाग गया और भाग करके लुक छिप करके अपना रह रहा था। फिर क्या हुआ, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, खत्म होने के बाद सारे यहूदी एकत्रित होकर के क्या किया कि बोला कि अब एक हम लोग अपना एक देश होना चाहिए। अब देश है जो कि है या नहीं है। तब फिर क्या किया, जाकर के आपका वो इजराइल वाले इलाके को जो कि थोड़ा सा था उसी को कब्जा किया। कब्जा करते 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 एक बड़ा देश बना लिया और वो देश इजराइल 1948 में गठन किया और इसको सबसे पहले मान्यता दिया आपका जो कि अमेरिका, ठीक है। अमेरिका है जो कि खच्चर है, वो कहीं नहीं चाहता है कि शांति रहे किसी दुनिया में कहीं भी देश में, है ना। हर जगह वो जाकर के इसको इजराइल को बढ़ाने वाला भी है देखिए अमेरिका, ठीक है। वहां आने की बढ़ा बढ़ने के बाद धीरे धीरे इसने इजराइल ने दुनिया के यहूदियों से आह्वान किया कि जब दुनिया में कहीं भी यहूदी रहता है सब आ जाओ इजराइल, हम लोग यही रहेंगे, ठीक है। वहां गया रहा, फिर रहने के बाद उसने अपने नियम संविधान कानून बनाया और वो चारों तरफ है देखिए जो जमीन कब्जा किया सब अपना दुश्मन बन गया, ठीक है। जैसे गाजा पट्टी वगैरह फिलिस्तीन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसको लेकर के चारों तरफ दुश्मन से गिर गया। अभी जान रहा है कि हमको मारेगा, तो वहां पे क्या किया, अपने सभी नागरिकों को 3 साल के लिए सेना का अनिवार्य कर दिया कि सेना में जाके सबको जाके बहाल होगा। तो ये कम से कम सेना में बहाल होगा, सेना से ड्यूटी करके जाएगा तो आत्मरक्षा करने के लिए खुद का आत्मरक्षा कर सकता है, देश पे जाके बोझ नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसका किया, करने के बाद आप देखिएगा अपनी एजेंसी बनाया जिसका नाम है मोसाद, ठीक है। मोसाद इतनी तेज है कि काम करता है कि अगर इसका कोई दुश्मन मार के पताल में भी नुक गया हो तो उसको वहां से भी निकाल लेगा, ठीक है। अभी आप देखिए ईरान हो गया, ये सब जितने भी कंट्रियां हैं सब उस पर हमला करता है। एक बार 19 देश को अकेले हरा दिया जिसमें मिस्र भी शामिल था, है ना। 19 देश को अकेले हरा दिया। फिर उसके बाद है कि आपका ये चल रहा है, चलते चलते अभी आपका ये वाला मामला देख ही रहे लेबनान वाला, इसके आतंकवादी संगठन का नाम है हमास, अवनाम में है जो कि हिजबुल्ला है। तो हिजबुल्ला के लड़ाके है जो कि इसमें हमला करते रहते हैं। तो इसने अभी क्या किया है कि मोबाइल फोन के द्वारा जितने भी है जो कि हिजबुल्ला के लड़ाकू है सबको है जो कि वो क्या कर दिया, मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रेस करके और उसको मरवा देता है। ड्रोन आदमी भी भेज के नहीं, ड्रोन भेज करके, ड्रोन में है कि 41 फीट के ले है और से मरवा दिया, गाड़ी में तो गाड़ी में, होटल में तो होटल में। तो हिजबुल्ला ने कहा अपने लड़ाकों से कि फोन बंद कर दो, फोन यूज नहीं रखो तुम लोग, फोन है जो कि या तो लोहा के पेटी में बंद कर दो या है जो कि जमीन में दफना दो, उसको यूज नहीं करना नहीं तो सब मरा जाओगे। तो ये मोसाद को पता है कि जब ये फोन बंद करेगा तो कहां जाएगा, तो फोन बंद करने के बाद ये जाएगा पेजर पे, ये जाएगा वॉकी टॉकी पे, ठीक है। तो ये देखा, पता किया कि ये वॉकी टॉकी और पेजर बनता कहां है, तो ये बनता है आपका वियतनाम में ये वॉकी टॉकी कंपनी है गोल्डी नाम की, और वही गोल्डी कंपनी है वॉकी टॉकी और पेजर वगैरह बनाता है। पेजर है क्या, तो पेजर एक डिवाइस है जो कमर में लगाया जाता है या कहीं भी लगा कर रखता है, एक फोन टाइप का होता है जिसमें आपका मैसेज आता है तो वो पता चलता है, ठीक है। बिप बिप की आवाज आती है, टेटे की आवाज आती है मैसेज, ठीक है। अब वो देखिए क्या किया, गोल्डी कंपनी को जाकर के मोसाद की एजेंसी जाकर के मिला कि हम भी कंपनी चलाते हैं, वॉकी टॉकी बनाते हैं, आप हमको दीजिएगा तो हम आपको सस्ते में बना के दे देंगे, ठीक है। ये जाकर के दूसरे देश में अपनी एक ब्रांच लगाया और वहां से ऑर्डर लेकर के सारा वो बना करके सबके बैटरी में लगा दिया बम और ऐसा बम लगाया कि वो देखे रडार में भी ना आए, ना तो आ गया तो पकड़ा जाएगा। करते करते में ही क्या हुआ कि एक बार है जैसे वहां के लड़ाकों ने पकड़ लिया तो सबसे पहले जैसे वो हमास के लड़ाकों को मार दिया, क्योंकि अगर जान जाएगा तो फिर क्या करेगा, हल्ला कर देगा। फिर उसके बाद 30 है आपका देखिए 1000 के आसपास है देखिए या 3000 के 3000 वॉकी टॉकी और पेजर है देखिए ले गया आपका हमास के लड़ाकों ने और ले जाकर के सभी अपने लड़ाकों को दिया और दे करके यूज कर रहा है। अब ये क्या करता है देखिए, वो पहले है देखिए मैसेज देता है, अगर चाहता तो डायरेक्ट भी उड़ा सकता था तो उड़ाएगा कम से कम क्षति होगा, लेकिन वो 3000 जो वॉकी टॉकी या पेजर तो सब है जाएगी पेजर ले करके जितने भी उसके लड़ाके हैं मैसेज देखना लगा कि क्या मैसेज आया है और जैसी सब ले करके जैसे सामने में रखा ब्लास्ट कर दिया।
अब ब्लास्ट किया तो पूरा मुंह कान है जाके सब है जाके फट गया, करो आंख खत्म हो गया, करो नाक खत्म हो गया, ठीक है। कुछ लोग कमर में रखने था तो कमर में जाके रखने के बाद जाके ये पूरा अग्र हिस्सा है जाके उसका जो सेक्सुअल पार्ट है वो भी ब्लास्ट कर गया, ठीक है। इतनी तड़पा तड़पा के जाके मारा है तो 3000 में 2700 का जाके बड़ा क्षति हुआ, 300 फटा नहीं, या फटा तो क्षति कम हुआ। ये इसलिए क्षति कम हुआ क्योंकि वो पेजर या तो चार्ज में लगा हुआ था या पेजर कहीं और है, वो व्यक्ति कहीं और है, इसलिए 300 लोगों को क्षति कम हुआ, 2700 लोगों को सबसे ज्यादा हुआ और मारा गया है जाके हजारों में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉकी टॉकी पर अब आ गया, पेजर छोड़ दिया लड़ाकों ने, अब आ गया वॉकी टॉकी पे। तो वॉकी टॉकी पे जब आया तो ये जो लोग मरा उसको दफनाने के लिए गया है जाके कब्रिस्तान और उसके जाके मंजिल में लोग जा रहा है, तो वो क्या क्या वहां से वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करना शुरू किया है ना, वहां पे मंजिल में बहुत सारे संख्या में लोग हैं, अब इतना ब्लास्ट करना शुरू किया सब वहां से जाके ज्यादा ज्यादा लोगों को क्षति किया। ये इस प्रकार अपने जाके दुश्मनों को जाके घुस करके मारता है। फिर उसके बाद क्या किया, लेबनान को एक 52 सेकंड का वीडियो बना करके बेंजामिन नेतन्याहू भेजता है, बोला कि देखिए आपके आस पास जितने भी हमास के लड़ाकू हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं, उस इलाके से आप लोग है ना घर उर खाली करके हट जाइए, फिर हम जब हमला करेंगे तो आप मानवाधिकार की दुहाई नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये 52 सेकंड का वीडियो ये करके भेज दिया और उसके बाद एक बार में 1600 जगह पे हमला किया, एक बार में 1600 जगह पूरा लेबनान का बेरूत का रद्द बद उड़ा दिया। फिर उसके बाद आप देखिए क्या किया, कुछ मीडिया एंकर जो है उसके खिलाफ बैठ करके ये बोल रहा था, वो क्या किया मीडिया हाउसे को उड़ा दिया, यही से बैठे बैठे मीडिया हाउस को उड़ा दिया। फिर उसके बाद एंकर लोग है जो कि कुछ चैनल चला रहा था उसके खिलाफ, वहां जाकर के जी बोला अपने जी सैनिक को भेज दिया, बोला कि दुकान उकान बंद करो ये सब है ना, बोला कि ये प्रेस ऑफ फ्रीडम है, बोला प्रेस ऑफ फ्रीडम जाकर के यूएनओ को बोलना ये हमारे खिलाफ बैठ करके साजिश रचोगे ये नहीं चलेगा, जो भी करना जाकर के यूएनओ में करो, यूएनओ में जाकर के चिल्लाओ और यहाँ पे कुछ है जी नहीं करो। तो ये आपका है जी अभी जो लेबनान के साथ झगड़ा चल रहा था उसका ये अपडेट था, ठीक है, बहुत है जी में चल रहा है। चलिए ये हो गया, आइए अगला।